केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य व आयुर्वेद विभाग के अधिकारियों एवं चिकित्सकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चर्चा की और संसदीय क्षेत्र में पदरित स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा भी की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी के दौर में हमारे स्वास्थ्य कर्मियों का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा है, जिसके लिए उन्होंने सभी का आभार भी जताया। उन्होंने कहा कि इस तरह की महामारी से पैदा संकट में भी हमें कुछ नया सीखने एवं विपदा से लड़ने के लिए प्रेरणा मिलती है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि आज की इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ करने एवं इसके लिए अभिनव नवोन्मेषी विचारों को जानना एवं समझना है। उन्होंने चिकित्सक वर्ग से आग्रह किया है कि वे अपने नियमित कार्य के अतिरिक्त इन विषयों पर विचार साझा करें कि किस तरह समाज के अंतिम व्यक्ति तक अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जाए। साथ ही चिकित्सा को रोजगार से जोड़ने के लिए भी बहुमूल्य सुझाव प्रेषित करें। उन्होंने कहा कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा इस दिशा में उठाया गया एक अभिनव कदम है। इसके माध्यम से दूर दराज के लोगों को बेसिक मेडिकल टेस्ट की सुविधा तथा मुफ्त दवाएं इत्यादि घर आंगन में ही उपलब्ध करवाई जा रही है। इससे क्षेत्र की लगभग 800 पंचायतों के करीब 6000 गांवों में 2.5 लाख से अधिक लोग भी स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त कर चुके हैं। मेरा मूल कारण आज आपसे जुड़ने का, एक तो आपका धन्यवाद करने का है, दूसरा ये भी है कि संकट के समय में हमें बहुत कुछ सीखने का और जानने का अवसर मिला होगा। हालांकि आपके ध्यान में पहले से भी होगा कि ना केवल पैंडेमिक के टाइम कभी कोई महामारी आए तब, बल्कि रूटीन में भी स्वास्थ्य की सुविधाएं कैसी हों, हमें अपने क्षेत्र के लिए अपने प्रदेश के लिए क्या क्या करना चाहिए, आपको किस तरह की समस्याएं आती हैं, मैं वो भी जानना चाहूँगा। और चाहूँगा कि आप थोड़ा खुलकर अपनी बात कहें, कम शब्दों में कहें, जो भी अपनी बात कहना चाहता है, कोई लिखित रूप में भेजना चाहता है तो वो भेज सकता है, कोई मुझे मैसेज करना चाहता है तो मैसेज कर सकता है, लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं अपने संसदीय क्षेत्र में कैसे और सुधार ला पाऊं। मैंने एक प्रयास आज से लगभग 2.5 वर्ष पहले किया था कि जो पिछड़े क्षेत्रों के हमारे भाई और बहनों को, जो ऐसे लगभग 6000 गांव मेरे संसदीय क्षेत्र में हैं, 800 के लगभग पंचायतें हैं, इनमें स्वास्थ्य की सुविधाएं कैसे पहुंचे, तो हमने एक संस्था के साथ मिलकर मोबाइल मेडिकल यूनिट्स की शुरुआत की। और हमारा प्रयास था कि उनके बेसिक टेस्ट जो है वो वहां पर हो सके, उनको दवाइयां मुफ्त में मिल सके। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार चिकित्सकों की कमी को पूरा करने के लिए देश भर में लगभग 170 मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इनमें से 80 कॉलेज की अधिसूचना जारी की जा चुकी है और अधिकांश में कक्षाएं भी प्रारंभ हो गई हैं। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत भी बिलासपुर में एम्स, हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज, ऊना में PGI सेंटर सहित मातृ शिशु स्वास्थ्य संस्थान, ट्रामा सेंटर इत्यादि स्थापित कर अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने का प्रयास उन्होंने केंद्र सरकार के माध्यम से किया है। उन्होंने कहा कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लोग किस तरह की बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं और इनके मूल कारण क्या हैं, इसके बारे में विस्तृत डाटा एकत्रित किया जाए। इनमें क्या जीवन शैली से जुड़ी समस्याएं भी शामिल हैं और अगर ऐसा है तो अस्पतालों से बाहर किस तरह इनका समाधान किया जा सकता है, इसके बारे में भी चर्चा समय की जरूरत है। स्वास्थ्य कर्मियों की कमी को पूरा करने के लिए आपसी समन्वय से एक टीम की तरह कार्य करने की आवश्यकता है और जहां सरप्लस कर्मी हैं उन्हें कर्मियों की कमी वाले संस्थानों में समायोजित किया जा सकता है। इसके अलावा जो और कई सेंटर्स हैं, मदर एंड चाइल्ड केयर यूनिट है, ट्रॉमा सेंटर्स हैं, ऐसी भी बहुत सारी सुविधाएं हम अपने क्षेत्रों के लिए लेकर आए और इसके ऊपर अरबों रुपए का खर्च हम लोग कर रहे हैं केंद्र सरकार के माध्यम से। डॉक्टर्स की कमी ना हो, लगभग 170 हमने मेडिकल कॉलेजेस देशभर में बनाने का प्रयास मोदी सरकार ने शुरू किया, 80 की नोटिफिकेशन पहले हो चुकी है, काम शुरू हो गया, उस पर क्लासेस शुरू हो गई। जो हमें आवश्यकता है कि हजारों डॉक्टर्स हमारे अपने क्षेत्रों में देश के कोने कोने में अपनी सेवाएं दें, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। MCI की जो दिक्कत थी उसमें भी कानून में बदलाव करके उस
व्यवस्था को भी हमने सुधारने का काम किया है, लेकिन मैं अपने आप को सीमित रखना चाहता हूं केवल अपने संसदीय क्षेत्र तक। देश के लिए भी किसी का सुझाव हो तो आप कृपया दे सकते हैं, और बाद में अगर किसी को लिख के भेजना तो मेरा ईमेल आईडी मैं आपको बता देता हूं, mphamirpur@gmail.com। आप इस पर भी मैसेज कर ईमेल कर सकते हैं mphamirpur@gmail.com अगर आपको विस्तार में कहना है। और अभी मैं आपसे चाहूँगा कि कुछ उचित सुझाव देंगे कि हम आने वाले समय में मैं एक सांसद के नाते अपने संसदीय क्षेत्र के लिए क्या करके दूं जिससे आपको लोगों को सुविधाएं। उन्होंने कहा कि आयुर्वेदिक पद्धति से भी उपचार कर कई असाध्य रोगों से छुटकारा पाया जा सकता है। ऐसे में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली तथा अन्य जड़ी बूटियों व आयुर्वेद औषधियों के उत्पादन पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। पंचकर्मा को केंद्र में रखते हुए यहाँ मेडिकल टूरिज्म की संभावनाएं भी तलाशी जा सकती हैं। कॉन्फ्रेंस के दौरान चिकित्सकों की ओर से बहुमूल्य सुझाव भी रखे गए। इस अवसर पर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, खंड चिकित्सा अधिकारी, जिला आयुर्वेद अधिकारी सहित लगभग 153 डॉक्टरों ने हिस्सा लिया। शुरुआत की और उसके बाद कुछ CMOs ने, कुछ बाकी डॉक्टर्स ने अपनी विस्तार में बात रखी, जहां एक और कहा गया कि हमें टीम के रूप में काम करना है, यानी कि जहां पर मैनपावर की कमी है और जहां पर सरप्लस है उनका आपस में समन्वय बेहतर कैसा हो। इसमें भी टेक्नोलॉजी का बहुत सदुपयोग किया जा सकता है, और जो आपका डेटा है जैसे CMO हमीरपुर ने कहा उसकी मैनेजमेंट की बात, मेरा मानना यह है कि अगर हमें शोध करना है, रिसर्च करना है, तो उसके लिए डेटा बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे हिमाचल प्रदेश में अगर हम निचले हिमाचल के हिस्सा लें, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी, इनमें किस तरह की समस्याएँ अधिकतर पेशेंट्स को आती हैं, मैं जानना चाहता था आज के इस कॉन्फ्रेंस में कि क्या ये लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई समस्याएं ज़्यादा हैं। अगर ये लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई समस्या है तो इसके लिए क्या समाधान अस्पताल के बाहर भी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाकर किया जा सकता है, क्या उसके लिए जागरूकता की ज़रूरत है। तो दूसरी ओर आयुर्वेदा के डॉक्टर्स ने कहा कि किस तरह से आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की बात हो, इम्यूनिटी लेवल बढ़ाने की बात हो, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। पंचकर्मा की बात कही, मेडिसिनल प्लांट्स की बात कही।